हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर टिश्यू। बेसिकली हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं आपके, उनका क्या क्या फंक्शंस होता है। तो टिश्यू से जाने से पहले थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं, जब हमने सेल की स्टडी करी थी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सो सेल, तो बेसिकली सेल के बारे में हम डिस्कस करें तो सेल का एक फंक्शन पढ़ रहे थे हम कि सेल्स के क्या फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है आपका टिश्यू, तो टिश्यू इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। जो काम एक सेल्स कर रहा था वो क्या कर रहे हैं, आप ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे हैं। और हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, जैसे ब्लड, ठीक है, ये ब्लड भी आपका एक टिश्यू है, स्किन्स आपके टिश्यू है आपका, मतलब मैनी काफ़ी टाइप्स के आपके पे टिश्यू हैं, ठीक। अब हम टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू बेसिकली जो एक इसकी ब्रांच होती है, टिश्यू के स्टडी करने की ब्रांच है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे, हिस्टोलॉजी, ठीक है, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और इसके जो बेसिक जो नाम दिया गया था वो दिया था मेयर ने, ओके, मेयर अप्रॉक्सीमेट 1819 में इसने इसको नाम दिया गया था। ऑब्वियसली हिस्टोलॉजी नाम दिया गया था उससे पहले नहीं, इसके फादर और फाउंडर नहीं थे, इसके फादर और फाउंडर अलग है। यस, फादर और फाउंडर आपके इसके अलग है। अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो फाउंडर का जो नेम था उस कॉल्ड मालफैगी, ओके, जो बेसिकली इस टिश्यू ब्रांच के जो ने स्टडी करी थी, थोड़ा बेस बनाया था, तो मालफैगी। अब इसके जो बेसिकली फादर थे, यस फादर, इस कॉल्ड द एक्सवियर बीचर्स, ठीक है, जिन्होंने 21 टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या स्टडी करी थी, आइडेंटिफाई किया था ह्यूमन बॉडी में से। तो ये थोड़ा सा इसका बेस है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा बेस हो गया, हम बात करते हैं कि टिश्यू होता क्या है। अगर हम टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू को एक वर्ड में लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन लेबर का मीन्स है कि हमने क्या कर, हमारा जो मेन फंक्शन क्या कौन करता है, सेल्स करते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि सेल्स को हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और एक हर ग्रुप यानी जो लेबर है वो क्या करे, एक स्पेसिफिक फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, ब्लड है, ब्लड टिश्यू, ठीक है, स्किन है, हमारा रेस्पिरेशंस है, हमारा ऑर्गन सिस्टम किससे बना है आपका, टिश्यू से बना है। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द ऑर्गन। तो बेसिकली भी हमें स्टडी रखने के टिश्यू के बारे में, ऑर्गन हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू आपके दो टाइप्स के हैं, पहले आपका प्लांट टिश्यू, सेकंड है आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपके क्या होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो एनिमल टिश्यू होते हैं ये आपके मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्गन्स आ गए, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू नहीं, ऑर्गन्स में हम स्टडी कर रहे हैं। ये बेसिकली ग्रोथ कहलाता है कि ग्रोथ टिश्यू होते हैं आपके, लगातार बढ़ते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में लगातार ग्रोथ नहीं होता, ठीक है, एक एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ये जो उनके पास जो मेंटेनेंस एनर्जी है अपने आप को मेंटेनेंस करने की, वो इनके पास कम होती है, यानी को कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि परफॉर्म कम कर रहे हैं। और जबकि ह्यूमन बॉडी बहुत सारा परफॉर्म कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं आपका, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक। ऑब्वियसली ये आपके डेड सेल से बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें सेल्स कैसे हैं, डेड सेल्स होते हैं, और जबकि एनिमल टिश्यू में आपके लिविंग सेल्स होते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका प्लांट टिश्यू। हम प्लांट टिश्यू की ओर मूव करते हैं, ठीक है, देखते हैं।
शुरू करते हैं उसे। तो ये आपका प्लांट टिश्यू के क्या है आपके टाइप्स हैं। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू जो होता है दो पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। ये होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी इसको सिंपल बोला जाता है ग्रोथ टिश्यू। अगर सिंपल होता है ग्रोथ, ठीक है, इसका मीन्स होता है आपका ग्रोथ, ग्रोथ टिश्यू। दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अगर हम ग्रोथ टिश्यू की बात करेंगे तो बेसिकली आपका ये कहलाता है एपिकल टिश्यू, लेटरल और इंटर कैलरे। एपिकल्स टिश्यू जो होते हैं आपके हमेशा वो टिप यानी टिप पे, यानी आपके रूट के टिप पे और आपके स्टेम के टिप पे आपका ग्रो करते हैं, या शूट टू रूट आपका ग्रो करते हैं। लेटरल, नाम से समझ में आ रहा है, लेटरल मीन्स आपका ये, यानी आपका जो बेसिकली डाइकोट्स रूट्स होती है और स्टेम्स होती है उनको ग्रोथ कराते हैं, ये लेटरल ग्रोथ कराते हैं। दूसरा होता है आपका इंटर कैलरी। इंटर का मतलब इंटरमीडिएट, यानी आपके जो स्टेम और लीव्स पे जो आपके नोड्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपके जो लीव्स है वो अटैच होती हैं उसको ग्रोथ करने के काम में आता है। अब इंट्रोडक्शन से हल्का सा, परमानेंट टिश्यू बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू और आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बेसिकली ये आपके जो सिंपल टिश्यू हैं ये आपके ग्रोथ टिश्यू के ऊपर, यानी ऊपर से ही आपके शुरू होते हैं। ये आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्कैलेन्काइमा, ये आपके तीन टाइप के टिश्यू हैं। और नेक्स्ट आपके इसमें होता है आपका फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेसिकली आपका फ्लोएम एंड जाइलम, ये आपके फूड और जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करने के में यूज होता है आपका, यानी आपके ये जो टिश्यू हैं ये फ्लोएम एंड जाइलम ये फूड और वाटर प्रोवाइड कराते हैं लीव्स को, स्टेम को, रूट्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था आपका टिश्यू का। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको शुरू करते हैं। ये बेसिकली आपका पहला टिश्यू है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके कुछ आपके पॉइंट्स है, इसकी जो बेसिकली नेचर्स है, पहला नेचर्स है इसका एक कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, यानी इस कॉम्पैक्ट का मीन्स है कि जो सेल्स होते हैं सेल वॉल के बीच में कोई भी आपका स्पेस नहीं होता है, ठीक है, यानी आपका कंटेन डेंस सिमिलर स्ट्रक्चर्स। और कॉम्पैक्ट का मतलब है आपका नो इंटर सेलुलर या मॉलिक्यूल, सेलुलर बोलेंगे मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तो इंटर सेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता है। और सबका जो स्ट्रक्चर्स होता है यानी जिस सब सेल्स का जो स्ट्रक्चर्स होगा वो सेम होगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिकली स्ट्रक्चर्स होगा साइज बेसिकली स्पेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, आपका पॉलीगोनल भी और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपके जो वैक्यूल्स, आपका वैक्यूल हो भी सकता है और आपका वैक्यूल्स नहीं भी होता है। सेकंड, इसमें क्या होता है आपका डेंस होता है, यानी आपका जो साइटोप्लाज्म होता है आपका कंटेन साइन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म आपका डेंस होता है। और जो इस सेल के क्या होते हैं आपकी सेल वॉल होती है, यानी सेलुलर सेल होता है आपका बहुत थिन होता है। तो ये बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ल्ड में इसको एक बात करें तो एक वर्ल्ड में इसका मीनिंग है आपका ग्रोथ टिश्यू, जो बेसिकली क्या करता है, केवल ग्रोथ ही करता है आपका। हमने कहा था कि इसमें आपके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, पहला टाइप था आपका एपिकल, एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू बेसिकली आपका कहाँ पे और क्या ग्रोथ कराता है, टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है, जो बेसिकली रूट्स को और स्टेम को ग्रोथ कराता है टिप को, वो क्या कहलाता है आपका एपिकल, यानी लेंथ की बात कर रहे हैं। तो एपिकल टिश्यू जो होता है वो लेंथ इंक्रीज करता है किसी प्लांट की। नेक्स्ट है आपका लैटरल, लैटरल टिश्यू। लैटरल टिश्यू की अगर बात करें तो लैटरल टिश्यू क्या कर रहा है, लैटरल टिश्यू बेसिकली उसकी डायमीटर, लैटरल डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी, अगर हम कोई प्लांट से आपका, तो लैटरल टिश्यू क्या करेगा, उसकी प्लांट को के जो डायमीटर्स होगी उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी आपका इंक्रीज इन डायमीटर। फिर होता है आपका इंटर कैलरी,
इंटर कैलरी का मीन्स है आपका इंटर नोड। बेसिकली इंटर नोड का मीन्स है कि ये जो लीव्स है आपके, जो मोनोकोट्स हैं आपके, मोनोकोट्स को इंक्रीज कराता है, यानी आपका जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को इंक्रीज कराता है, यानी आपका जो लीव्स है यानी लीव्स को इंक्रीज करता है। कैसे? स्टेम और लीव्स के बीच में जो इंटर नोड्स होता है उसको इंक्रीज करता है, यानी इससे क्या होगा, आपके जो लीव्स है वो भी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली ऑर्गन्स को इंक्रीज कराता है। तो ये लेंथ को हो गया लेंथ, ये डायमीटर, और ये आपका सिंपल बात करें हम आपका ऑर्गन्स को इंक्रीज कराता है। तो ये बेसिकली सब किस में आता है आपका? मेरिस्टेमिक टिश्यू में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब वो कहलाएगा आपका परमानेंट टिश्यू। ओके, देख लीजिए इसे। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू। इससे पहले मेरिस्टेमिक टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इस टिश्यू आपका जो पहला टिश्यू है आपका परमानेंट टिश्यू, बेसिकली जब आपका मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या करता है, डिवाइड होना बंद कर देता है, और डिवाइड होने का बंद करने के बाद ग्रोथ होना बंद कर देता है, और ग्रोथ बंद होने के बाद एक स्पेशलाइज फंक्शंस के लिए वो यूज होता है, तो उसको बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। अब हर परमानेंट टिश्यू आपके क्या हो, एक स्पेसिफिक फंक्शंस है। अगर सबसे पहले बात करें तो आपका जो पैरेन्काइमा आपके पास ये पहला आपके पास टिश्यू है इस परमानेंट टिश्यू में, तो पैरा का मीन्स होता है बिसाइड और काइमा का मतलब इनफिलिंग, यानी जो आपका साइड से फिल हो रहा हो। तो पैरेन्काइमा टिश्यू बेसिकली आपके कैसे टिश्यू हैं, आपके लूजली पैक टिश्यू हैं आपके। अगर लूजली पैक टिश्यू हैं तो इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, स्टोर फूड, ठीक है, और जो फूड को स्टोर करता है और क्यों क्या करता है, एसिमिलेट करता है, यानी आपका ट्रांसपोर्ट करता है आपका, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेल्स के बीच ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये सॉफ्ट पार्ट में मिलता है आपका, जो भी प्लांट का सॉफ्ट पार्ट होगा, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया आपका, सॉफ्ट स्टेम हो गई, आपके रूट्स हो गए, ये बेसिकली वहाँ फंक्शन होता है आपका। लूजली पैक है बता चुका हूँ, उसका जो साइज है वो कैसा है आपका, ओवल है, पॉलीगोनल साइज है आपका, ठीक, और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है आपका आइसोडायमेट्रिक, यानी आपका जो आइसोडायमेट्रिक का मीन्स है, जैसे आपका एक सेल होता है, सर्कुलर सेल होता है आपका, तो सर्कुलर सेल आपका हर डायरेक्शन में इक्वली आपका ग्रो करता है। तो वैसे ही आपका ये आपका एनकाइमा सेल है आपका क्या करेगा, वो हर डायरेक्शन में आपका इक्वल इंक्रीज होगा, यानी इक्वल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका हैविंग पावर डिवीजन, यानी पावर डिवीजन हम बोल रहे थे इससे कि आपका जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो आपका डिवीजन ऑफ पावर को लूज करने के बाद, लॉस करने के बाद परमानेंट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें भी आपका क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, ये क्या होता है, डिवाइड होना शुरू करता है आपका। तो ये है आपका बेसिकली आपका पहला पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है आपका दूसरा, उसको डिस्कस करते हैं, एक बार देख लीजिए इसे। आपके पास नेक्स्ट सेल है आपका कोलेनचाइमा। अगर हम कोलेनचाइमा को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे कोलन का मीन्स होता है ग्लू और चाइमा का मतलब फिलिंग, यानी इनफिलिंग। तो इस कोलेनकाइमा का बेसिकली जो मीन्स है और जो फंक्शंस है वो क्या होता है आपका, एरियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। मान लीजिए ये आपके पास सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है कि सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स है यानी क्या कर रहा है, ये फिलिंग कर रहा है, ये प्लस क्या है, दूसरा सेल्स है आपके पास ये, तो यानी इनके बीच का क्या कर रहा है, फिलिंग कर रहा है, और ये क्या होता है बेसिकली, ये टाइटली पैक होते हैं, टाइटली पैक्ड। जो आपके पास पैरेन्काइमा था वो लूजली पैक था, ये क्या होता है आपका, टाइटली पैक होता है, और जस्ट लाइक ये क्या कहते हैं, ग्रोथ करवाता है, एरियल ग्रोथ। और इसका सेकेंड जो इंपॉर्टेंट काम है आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मीन्स है कि आपके पास जो यंग आपके पास डाइक्लोड प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, वो विदाउट ब्रेकिंग क्या हो जाए, बैंड हो जाते हैं। जो विदाउट ब्रेकिंग बैंड हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं आपके, इस कोलेनकाइमा प्लांट्स की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है आपका, और इसमें क्या होता है, कुछ क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या वर्क करता है,
वो बेसिकली क्या वर्क करेगा, एक फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प करेगा, यानी क्या बनाएगा, शुगर ग्लूकोज फॉर्मेशंस करेगा। तो ये बेसिकली कॉलन काम है का प्लांट्स का। जो मेन फंक्शन है क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली एरियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो गैप्स है गैप्स को फिल करता है, जिससे आपका जो यंग प्लांट्स है क्या हो जाए, आपका फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी उसमें क्या आ जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाए इन द फॉर्म ऑफ द टेंसाइल, टेंसाइल के फॉर्म में। ठीक है, आपके बाद लास्ट है आपका परमानेंट टिश्यू में स्क्लेरेंकाइमा, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेंकाइमा। बेसिकली स्क्लेरेंका मीन्स होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट मीन्स होता है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्टिव लेयर और मैकेनिकल लेयर होती है किसी भी आपकी प्लांट की, और जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा आपके थिक होते हैं, जैसे आपका लिग्निन होता है, लेकिन इतना थिक आपका, इतना थिक, इतना हार्ड होता है बेसिकली लाइक ए सीमेंट। ठीक है, यानी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, आप स्ट्रेच को नहीं कर पाएंगे आप, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी आप उसको बकल्स नहीं कर पाएंगे, यानी आपको उसको हम अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बकल नहीं होगा, यानी आपका इसमें बीच में आपका ब्रेक नहीं होगा। तो बेसिकली क्या प्रोवाइड करा रहा है ये आपका मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव टिश्यू है आपका, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है इन द फॉर्म द टेंसाइल स्ट्रेंथ और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इतना क्लोजली पैक होता है इन लाइक विदाउट एनी सेलुलर स्पेस, क्योंकि इनके बीच में सेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, इतना भी टाइट नहीं है आपका, जो आपका कोरेंकाइमा था इससे आपका लूजली पैक होता है इसके कंपेयर में। ठीक है, वहाँ पे आपका इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, लेकिन इसमें तो आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका हार्ड बनता है आपका, इसका मीन्स होता है हार्ड, जो बेसिकली क्या प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। तो ये आपका बेसिकली टिश्यू था, हमने इसमें बस एक टिश्यू रह गया, इसमें आपका सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू हम पढ़ रहे थे, तो हमारा नेक्स्ट टिश्यू होगा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें आप फ्लोएम जाइलम की बात करेंगे, वो आपका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।